परिषद के 24 सदस्यों का शपथ ग्रहण हो गया है। हमारे साथ सभापति हैं अवधेश बाबू सर। बहुत दिनों से आपकी एक तिहाई सीट खाली थी, लगभग 24 सीटें, आज वो भर गई, क्या कहेंगे सर? ये बहुत खुशी की बात है कि अब हमारा बिहार विधान परिषद फुल स्ट्रेंथ में चलेगा और फुल स्ट्रेंथ में अच्छा लगेगा। सबका स्वागत है और लोग नए नए सदस्य आए हैं, इन लोगों से बहुत हमको उम्मीद है कि आप सदन में अच्छा करेंगे, सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे, ये मेरी शुभकामना है। अधिकांश सदस्य इस बार नए हैं लेकिन है योग कह सकते हैं कि युवा हैं, तो लगता है कि ये चूंकि उच्च सदन रहा है इसकी अपनी एक मर्यादा रही है, तो नए सदस्यों को क्या प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की जाए? प्रशिक्षण तो यहाँ बराबर दिया जाता है और ख़ास करके जब से ई विधान हो गया है नेवा, तब से सब डिजिटल हो गया, तो डिजिटल की शिक्षा इसके बाद हम लोग देंगे, प्रशिक्षण देंगे ताकि जो विधान परिषद में कार्यवाही हो उसको डिजिटल रूप से सब लोग सीख जाएं तो बढ़िया से चलेगा, तो इसके लिए हम लोग प्रशिक्षण देंगे। कई ऐसे सदस्य भी हैं जो विधानसभा के भी सदस्य रहे, वहाँ की कुछ अलग परंपरा रही है, विधान परिषद की कुछ अलग रही है, तो दोनों अब सदन विधान मंडल है, दोनों दोनों की परंपरा एक ही है, नियम एक ही है, सब लोग हैं वहाँ से आते हैं तो यहाँ ठीक है, स्वागत है और परंपरा में कोई अंतर नहीं है। अब लगभग आपका सदन पूरी तरह से भर जाएगा, दो साल से लगभग 24 सदस्यों की संख्या कम थी, क्या कहेंगे? नहीं, अच्छा है, सब लोग जीत के आए हैं, लोकतंत्र की जो परंपरा है उसको सब लोगों ने पूरा करके आया है और सदन में सबको आए हैं। पंचायती राज व्यवस्था के जो लोग जनप्रतिनिधियाँ हैं उनका सवाल भी उठाएंगे और उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार पर दबाव भी बनाएंगे। कई ऐसे कार्यकर्ताओं को भी आप लोगों ने जिताया है जो कल तक फील्ड में थे, पहली दफ़ा चुनाव लड़े, उच्च सदन में आ गए हैं, लेकिन फील्ड का जो अनुभव होता है सो और सदन का अनुभव, वैसे लोगों को क्या करेंगे? नहीं, अच्छा है सब। देखिए ऐसा है ना कि सब कोई तो जो भी लोग भी सदन में आते हैं वो धीरे धीरे आने के बाद अपने आप ही सदन की प्रक्रिया से वाकिफ़ हो जाते हैं और सीख जाते हैं और लोगों का जब दबाव पड़ता है तो लोग अपने हिसाब से कार्य भी करते हैं, तो हम समझते हैं कि सब लोग जो भी जितने जीत करके आए हैं उससे सदन को और ताकत मिलेगी और सदन जो है और अपनी जो प्रखरता है उसको और अलग तरीके से पाएगा। ये जीत मेरी नहीं है, ये हमारे मतदाता की, हमारे जनता की, हमारे कार्यकर्ता की जीत है और लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। हमने जो 5 साल काम किया था उसका जनता क्या दे सकती है, उन्होंने परिचय दिया और बखूबी दिया और मैं 309 पंचायत में व्यक्तिगत गया। लोग कह रहे थे या लग रहा था कि समय बहुत कम है, मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर जिन्हें वोट लेना है मैं उनको जाके तो देखूं कहाँ है, किस हाल में है, किस स्थिति में है, हम अपनी बात उनके पास रखे और जनता ने मुझे गठबंधन से ऊपर उठ के, जात धर्म से ऊपर उठ के मुझे सभी ने वोट दिया। मैं इसके लिए दरभंगा की तमाम जनता को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जनप्रतिनिधि के लिए जो भी समस्याएं हैं मैं सबके लिए लड़ूंगा, इसमें बिना थके बगैर हारे मैं रुकूंगा नहीं, जब तक हूँ लड़ता रहूँगा। अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये खूबसूरती है युवा लोग का। अब पंचायती राज व्यवस्था में लोग जो जीत के आए हैं वो जनप्रतिनिधि उनको चुन के लाता है, तो जनप्रतिनिधि का जो विकास का मामला उसको उठाएंगे। विजय जी, पहले सहकारिता देखते थे अब उच्च सदन, कैसा लग रहा है और क्या करेंगे आप? बहुत सारी बातें थी जो अच्छा लग रहा है, जो भी हम लोगों का जो काम होगा या विकास से संबंधित जो कार्य होंगे या प्रतिनिधियों की जो भी समस्याएं होगी जी उनको लेकर के हम लोग सदन में बात रखेंगे। लेकिन लग रहा था कि इस सदन का सदस्य होना, चूँकि ये उच्च सदन है, कई बार आपने चुनाव लड़ने का प्रयास भी किया था सपना, लेकिन इस बार चुनाव लड़े भी और जीत भी हासिल हुई और उसमें भी उच्च सदन में आ पाए, क्या कहेंगे? प्रतिनिधियों को जिन्होंने मत दिया उनको धन्यवाद करते हैं और हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने मुझे यह अवसर दिया और मैं जीत के आया। रेखा देवी जी हैं जो सीहोर से जीत के आई हैं। मैडम, पहली बार सदन की सदस्य बनी है, क्या प्राथमिकताएं रहेगी, क्योंकि अब सदन जब चलेगा तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिस मुद्दे को आप उठाएंगे? सीहोर का विकास, महिलाओं के मुद्दे पे भी सदन में आप चर्चा करेंगे? जी, चर्चा करेंगे। पहली बार जीत के आई हैं, कैसा लग रहा है? सर, आप पहली बार जीत के आई हैं मैडम, आपके क्षेत्र से ये जीती हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास की धारा चल रही है, हमारी रेखा जी उस धारा को और आगे बढ़ाएंगी,
सीतामढ़ी शिवहर में अधिक से अधिक विकास होगा और सीतामढ़ी शिवहर के लिए दिन रात सदन में आवाज उठे। प्रतिनिधित्व विकास रहेगा, जनप्रतिनिधि का भाता का सवाल हो, उनका सुरक्षा का सवाल हो, सदन में हम लोग उठाएंगे। और जो हमारा सरकार एनडीए का जो तेज रफ्तार विकास का चल रहा है उसमें हम सहयोगी बनेंगे। वेतन भत्ते का भी, वेतन भत्ते की मांग उठा, हाँ एकदम उठेगा। कि जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि बिहार फिलहाल एमएनसी का चुनाव हुआ है और हम लोग शपथ ग्रहण के लिए आज यहाँ सभी सदस्यगण उपस्थित हुए हैं, तो जिस तरह से अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने पार्टी के प्रति जो उत्तरदायित्व तो होता है और जो हमारी जो बिहार की जो जनता है उसके प्रति जो दायित्व तो होता है, जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आती हूँ नालंदा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करूँगी और जनता के सवालों को विधान परिषद में प्रमुखता से उठाने का काम करूँगी और विरोधियों को स्पष्ट जवाब देने का काम करूँ। जनप्रतिनिधि हैं, उनके वेतन भत्ते की बार बार फिर डिमांड हो रही, लगातार बढ़ाने की डिमांड हो रही, उसको लेकर क्या? जी निश्चित रूप से ये एक डिमांड है जो हम लोग बार बार सरकार के सम्मुख रखते हैं और हमारी सरकार ने भी वार्ड सदस्यों के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अभी आपको पता होगा कि वार्ड सदस्यों के द्वारा जो सात निश्चय का जो कार्यक्रम हो रहा था, नल जल की जो योजना चल रही थी, उसमें संविदा पे कुछ लोगों को रखने का कार्यक्रम चल रहा था, तो हमारी सरकार ने जो है मानदेय पर 4,000 रुपये देने का बात कही और उनको अभी इस बार से इसका लाभ उनको मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि हम लोग प्रमुखता से उनके मानदेय को लेकर के, भत्ते को लेकर के और वेतन को लेकर के प्रमुखता से बातें उठाते रहते हैं और हमारी सरकार भी जो है प्रयत्नशील है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी निराकरण हो। देखिए, जो चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने मुझे वोट देकर सदन में भेजा है, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं में सबसे बड़ी प्राथमिकता है उनके भत्ते का सवाल, जिसमें जिसे सम्मानित भत्ता कहा जाता है, एक वार्ड सदस्य का महज 500 रुपये है जो कि कतई सम्मानित नहीं है, ये अपमानित भत्ता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, मुखिया जी हो, समिति हो, जिला परिषद हो, सभी लोगों के भत्ते में बढ़ोतरी होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, एमएलए और एमपी बनते हैं उनके पेंशन की व्यवस्था होती है, वो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं पंचायत के, उनके भी पेंशन की बात होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी फिलहाल बिहार में हत्याओं का दौर चल रहा है, खास करके जो जनप्रतिनिधि जीते हैं वो अपराधियों के निशाने पर हैं, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और उनके सुरक्षा की गारंटी देनी चाहिए। जो पंचायत प्रतिनिधियों का जो समस्या है, मूल समस्या है, उस बात को हम लोग सदन में रखने का काम करेंगे और हमारे साथ में जिला परिषद के चेयरमैन भी है जो बहुत सारे समस्या से जूझ रहे हैं, जो विकास का काम रुका हुआ है जिला में, उस बात को हम लोग रखने का। जीत के आए हैं, क्या जो जनप्रतिनिधि की समस्या है, जो जनप्रतिनिधि जिनको जिन्होंने आपको चुन के भेजा है, उनकी प्रमुख समस्या वेतन और भत्ते को लेकर है, तो उसको लेकर भी सदन में सवाल उठा। वेतन तो है, उसके अलावा जो है जो प्रतिनिधि को जो सम्मान मिलना चाहिए ब्लॉक स्तर पे या जिला लेवल पे वो नहीं मिलता है, उस बात को हम लोग रखने का काम करेंगे। सवाल उठाएंगे, जो जनता मालिक हमको वोट दिया है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, जो उनको तनख्वाह ने भत्ता जो बोलते 500 रुपया मिलते हैं उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, वो लोग को मान सम्मान के लिए आवाज़ उठाएंगे। हर ब्लॉक में बैठने के लिए जगह नहीं हैगा, उसके लिए भवन बनाएंगे, इसके लिए ये सब के लिए आवाज़ उठाएंगे। मीडिया चैनल के थ्रू आज मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, मधुबनी जिला वासियों को धन्यवाद करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आप लोग के आशीर्वाद दुआ से आज हम लोग को समर्थन मिला है और अंबिका यादव जी ने आज शपथ लिया है आप लोग की मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए। आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। देखिए, मुद्दा हमारा रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मेडिकल, लेकिन सबसे अहम मुद्दा हमारा रहेगा कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं जीते हुए, उनका जो मान सम्मान दिलाना, उनका हक हकूक दिलाना, तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि उनका मानदेय बढ़ाना, उनका जीवन बीमा करवाना और उनकी पेंशन योजना लागू करना।